वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है दोपहर का। तो मेरी बेटी स्कूल से आ गई है, तो अब ये धूप में खेल रही है थोड़ा। इसको मैं ऊपर लेके आई थी, लड्डू गोपाल जी को भी लेकर आई हूँ, वो धूप में बैठे। तो जो आज की वीडियो है ना, वो मैं किचन गार्डन से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि आजकल हमारे किचन गार्डन में क्या क्या ग्रो किया हुआ है, और हमने हार्वेस्ट भी बहुत कुछ कर लिया था। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कुछ चीज़ें हैं जो ग्रो कर रही हैं अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे किचन गार्डन में मिश्का है। क्या खा रहे हो मिश्का? एप्पल खा रहे हो? ओके। तो इसका सिर धोया था, सुबह नहीं धोते हैं क्योंकि इसका सिर जो है ना सूखता नहीं है, बहुत है, लंबे बाल हैं इसके ना। तो अभी इसका सिर धोया है और इसको धूप में बिठाया है मैंने। हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? क्या प्ले कर रहे हो आप? क्या बनाया आपने, ये मुझे दिखाओ। तो इसने ना मंजे लगाया था बैठने के लिए, और इसने ना मंजे को स्लाइड बना लिया। कैसे ले रहे हो आप स्लाइड इसमें? तो आप देख सकते हो क्या कर रही है ये। तो आजकल हमारे किचन गार्डन में फ्रेंड्स बहुत अच्छे गेंदे के फूल खिले हैं, तो आप देख सकते हो। दिवाली के टाइम पे खिलना चाहिए था इनको, पर उस टाइम नहीं खिले। अब जाके मतलब अच्छे खिल गए हैं ये, और बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये है येलो कलर के, ये भी, और एक ये है, ये है, इसमें एक ही पॉट में दो लगे हुए हैं। तो ये है ऑरेंज कलर का, ये भी बहुत अच्छी तरह खिल गए हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। इससे भी बड़े होते हैं फ्रेंड्स ये, बट ये इस बार अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए हैं। तो आप देख सकते हो कितने सुंदर हैं ये फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स, उस दिन ये पालक जो है ये हार्वेस्ट करा था, फिर से ग्रो होने लग गया ये। तो मैंने आपको उस दिन मैं बताना भूल गई थी कि आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसा पालक है। मत करो बेबी। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसा पालक है। तो ये जो है ना, ये देसी पालक है। ये हम इसका जो सीड है ना, ये हम गांव से लेके आए थे हिमाचल से। तो ये होता है देसी पालक, और जो दूसरा पालक होता है ना जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये ना बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। तो मैंने जब वीडियो अपलोड कर दी उसके बाद मुझे ध्यान आया कि सभी सोच रहे होंगे कि ये कैसा पालक है। तो ये है देसी पालक, बहुत अच्छा ग्रो। ये अब हार्वेस्ट करने के बाद अच्छा ग्रो होने लग गया है, और यहाँ भी हमने कुछ हार्वेस्ट करा था। तो आप देख सकते हो ये फिर से ग्रो होने लग गया है, और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है ये भी। उसके बाद ये तो आप सबको पता ही है, ये है भावरी, जो हिमाचल के उनको तो पता ही होगा भापरी है। चटनी में यूज़ किया जाता है इसको, और इसका नमक पीसा जाता है। ये होती है फ्रेंड्स बरसात के टाइम पे, बट हमारे यहाँ पता नहीं क्या हो गया, ये 12 महीने ही रहती है, इसके सीड्स गिरते रहते हैं और ये ग्रो करती रहती है। तो ये बहुत अच्छी होती है। और फ्रेंड्स, ये है सरसों। तो ये भी उस दिन मैंने आपको दिखाई थी कि ये भी बहुत ज़्यादा ना घनी घनी लगी हुई थी, तो हमने ना इसको जड़ से जो है इसकी रूट्स भी निकाल दी थी, जड़ से निकाल दिया था इनको, आधे पौधों को इनको। तो ये भी अब अच्छे से ग्रो होने लग गई है सरसों, आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छी हो रही है ये। और ये है फ्रेंड्स पालक, जो कि हमने हार्वेस्ट नहीं किया है अभी तक। ये है फ्रेंड्स, ये जो मार्केट में मिलता है, ये है वो वाला पालक। तो अभी तक हमने हार्वेस्ट नहीं करा है। मम्मी कह रहे थे कि इसको तभी हार्वेस्ट करेंगे जब पकौड़े बनाएंगे, पर घर में सभी के गले बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो मुझे तो नहीं लगता पकौड़े बन पाएंगे। तो देखते हैं पकौड़े में यूज़ करते हैं, या फिर इसकी सब्जी बनाते हैं, या साग में यूज़ करते हैं। ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर चुका है, देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, ये है धनिया, ये है लहसुन के पत्ते भी लगाए हुए हैं हमने यहाँ पर। तो जो धनिया है ना बहुत अच्छा ग्रो हो चुका है, और हमने इसको डेली तोड़ रहे हैं, सब्जी बनाते हैं तो उसमें डालने के लिए डेली तोड़ रहे हैं, और इसकी ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप देख सकते हो ये भी बहुत अच्छा लगा हुआ है यहाँ पर। ये ना मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है, और बहुत अच्छा ग्रो कर चुका है ये भी। और इसके बाद ये है सूटकेस, देख सकते हो आप। तो सूटकेस में भी हमने धनिया लगाया है, बहुत अच्छा ग्रो हुआ है ये। तो हमने इसको तोड़ लेते हैं चटनी बनाने के लिए, या फिर सब्जी में डालने के लिए, तो इसको भी हम हार्वेस्ट करते रहते हैं। बीच में इसमें मेथी के प्लांट्स हैं थोड़े से, ये है सरसों, और ये है लहसुन। तो सब कुछ इसमें मिक्स लगा रखा है हमने,
सूटकेस में। और ये है फ्रेंड्स मेथी, ये भी हमने हार्वेस्ट कर लिया। इसके बनाए थे परौंठे, तो उसकी वीडियो भी आपके आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हो हार्वेस्ट करने के बाद ना फिर से ग्रो होने लग गई है। पालक लगाया फ्रेंड्स हमने गमले में, बट ये अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों। और ये बीच में इसमें ना सरसों का एक प्लांट भी ग्रो कर चुका है काफ़ी अच्छा। और ये है पालक, किसी दिन इसको हार्वेस्ट करेंगे तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हो हमने बहुत कुछ लगाया, बट आपके साथ ना मैंने थोड़ा सा ही शेयर किया है। और वहाँ तक है, वहाँ भी है आधे गमले। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। जो मिले न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।